एक ओर जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और तत्कालीन विधायक विधानसभा पाटन अजय बिश्नोई के द्वारा शहरी अधोसंरचना तृतीय के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं। नगर परिषद मझोली में इसमें नगर के सभी वार्डो में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिखित शिकायत नगर परिषद मझोली अधिकारी मौसम पारिवार को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद मझोली अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का भुगतान कर दिया गया है। ना तो कोई जांच हो रही है और ना ही कार्रवाई। जनता की मेहनत की कमाई किस प्रकार बंदाबांट की जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है नगर परिषद मझोली। यहाँ मझोली वार्ड क्रमांक 13 की आंगनबाड़ी जब निर्माण कार्य किया जा रहा था, तब लिखित शिकायत की गई थी कि घटिया गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में। इसके बावजूद नगर परिषद अधिकारी इंजीनियर ठेकेदार की मिली भगत से भ्रष्टाचार की भेंट आंगनबाड़ी केंद्र चढ़ जाती है। इसका लोकार्पण पूर्व मंत्री और तत्कालीन पाटन विधायक अजय बिश्नोई के द्वारा 28 तारीख को किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्र चालू भी नहीं हुआ और दीवारों पर चटकने दिखाई देने लगी।